गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विभिन्न निशा पर। आज मैं आपके लिए ऐसे गैजेट लेके आई हूँ जो जमीन पर तो चलेंगे, साथ ही आसमान में भी आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो हमारे वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने, साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नंबर फर्स्ट है हमारा जैक्सन वन। आजकल फ्रैंक कार के बारे में अक्सर सुन रहे होंगे, जहाँ पर अल्फा जाने के लिए ऐसे फ्रैंक कार का यूज़ कर सकते हैं जो कि लोग खुद एटीट्यूड पर फ्लाई करते ही उसे एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से उड़ा लेकर ले जा सकेंगे। ये एयरक्राफ्ट कुछ ऐसा ही होता है जो कि खास तौर बनाया गया है पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए। इसमें एक पर्सन के लिए अच्छी जगह होती है और ये कहीं भी उड़कर आसानी से जा सकता है। इसकी टॉप स्पीड 102 किलोमीटर पर आवर्स की होती है और फ्लाइट टाइम सिंगल चार्ज पर लगभग 20 मिनट का होता रहेगा। ये एक बैटरी पावर गैजेट है और इसमें बैटरी इन्वर्ट होती है जिसे इसे ईजी चार्ज किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट में सेफ्टी को प्रोवाइड की दी गई है जिसकी वजह से इसके फ्रेम को एल्यूमिनियम का और काफ़ी मजबूत बनाया गया है। वहीं इसमें ट्रिपल रेडियन फ्लाइट कंप्यूटर लगा होता है जो कि इससे बेहतर तरह से ऑटो पायलट करता है। इसके टाइट सेंसर प्रॉपर्टी ऑप्टिकल ट्रिप फाइंडर का काम करेंगे जिससे ये किसी भी जगह से आसानी से फ्लाई कर पाएगा। हालांकि इसमें 4 प्रोपेलर जो लगे होते हैं लेकिन इसका एक प्रोपेलर खराब भी हो जाता है तो जब भी ये आसानी से फ्लाई कर सकता है। इसमें वैलेंटिक पैराशूट को भी इन्वेंट किया जाता है जिससे कि इमरजेंसी कंडीशन में फौरन डिप्लाई कर पाएंगे। तो पर्सनल फ्लाइन को देखते हुए इसे काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर बनाया गया है जो कि पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी कमाल का रहेगा। नेक्स्ट है हमारा बेजो बोर्ड। आपने काफ़ी सारे सपोर्ट देखे होंगे लेकिन ज़्यादातर सपोर्ट बनाए जाते हैं उन्हें प्लेन सफ़र के लिए बनाया जाता है, यानी कि उन्हें अच्छे खासे रोड पर तो यूज़ कर पाएंगे लेकिन कहीं ऊपर खाबड़ वाली रोड आ जाती है तो उन्हें सपोर्ट को यूज़ नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए बनाया गया है ये गैजेट जो कि खासतौर पर इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि इसे आप रफ से भी रफ रोड पर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें 4 छोटे छोटे व्हील लगे होते हैं जिसका सस्पेंस कुछ ऐसा होता है कि ये नॉर्मल स्टैंड के अलावा रफ स्टैंड से भी रफ आसानी पर मूव कर पाता है। इसके सस्पेंस के व्हील को फ्रीली मूव कराते हैं जिससे कि आप इसे किसी भी तरह की जगह पर यूज़ कर पाएंगे। तो ये एक बैटरी पावर बोर्ड है जो कि सिंगल चार्ज पर 76 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स की होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो ये सारी खासियतें इसे कमाल का सरफुट बनाती है। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रो LEV बाइक। अभी तक आपने काफ़ी सारी ई बाइक देखी होंगी लेकिन अब जो आप ई बाइक देखने वाले हैं वो एकदम कार वाला कंफर्ट देती है। यह एक ऐसी बाइक है जो कि इसे खासतौर पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाया गया है। इसे एक सिंगल चार्ज पर आप लगभग 200 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसमें डुअल मोटर लगी होती है जो कि इसे पावरफुल बनाती है लेकिन इसका एक फीचर काफ़ी आपको ज़्यादा पॉपुलर बना देता है। इस ई बाइक में आपको अलग से पैडल असिस्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि जब आप चार्जिंग खत्म हो जाती है तो आप इसे साइकिल की तरह राइड करके ऐसे लेकर जा सकते हैं, यानी कि इसकी बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद भी आप इसे लगातार इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं आपको इसमें एक बैक सीट देखने को मिलेगी जिसे आप किसी को भी बैठाकर राइडिंग का मजा ले पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा स्लिंगशॉट। अब मैं आपको एक ऐसी रेसिंग कार दिखाने वाली हूँ जिसकी स्पीड के लिए आप कायल हो जाएंगे। ज़्यादातर रेसिंग कार को बनाया जाता है उनके लुक और स्पीड पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसी कारें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और एरोगेनरी होती है और साथ ही इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि मज़ा ही आ जाता है इसकी राइडिंग का। अगर आप भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इस तरह की कार का। पूरा लाइनअप सेट देखने को मिल जाएगा तो जो कि अलग अलग फीचर्स के लिए जाना जाता है। बात करते हैं इसके टॉप मॉडल की तो ये प्रो स्टार 2 लीटर 4 सिलेंडर लगा होता है। 203 हावर्स पावर जनरेट करता है जो कि इसकी टॉप स्पीड 120 माइक पर हावर्स की हो जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रहेगी किसी भी रेसिंग कार की तुलना में। और भी अपने पावरफुल इंजन की वजह से यह 0 से 60 पर माइक हावर्स पाने में सिर्फ यह 5 सेकंड के लगभग समय लेगा जो कि कमाल का एक्सपीरियंस रहेगा किसी भी कार ड्राइवर के लिए।